मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। इन दिस एक्सरसाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पाई चार्ट एंड सर्कल ग्राफ। यू नो दैट बोथ आर सेम, सर्कल ग्राफ एंड पाई चार्ट दोनों ही आपके सेम हैं, बट आपको क्या इसमें मेन फोकस करना है पॉइंट्स पे, वो मेन पॉइंट्स देख लो कि जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको क्वेश्चंस में कहाँ एंगल फाइंड करना है, कहाँ आपको क्वांटिटीज फाइंड करनी है, कहाँ पे आपको जस्ट एक ग्राफ गिवन है और कोई क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहा है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपके 5.2 एक्सरसाइज में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, द पाई चार्ट या आपका सर्कल ग्राफ आपका गिवन है। 10% क्लासिकल म्यूजिक, कुछ सर्वे हुआ, जैसे आप कहीं जाते हो और आप सर्वे करते हो, तो सर्वे करते हुए आपने देखा कि कुछ लोगों को, जैसे आपने म्यूज़िक की बात चल रही है और म्यूज़िक की शुरू बात कर दी कि भाई किसी को लाइट म्यूज़िक पसंद है, किसी को क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, किसी को शोर शराबे वाला म्यूज़िक पसंद है, तो ये सब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हमने सर्वे किया, सर्वे के टाइम जो टोटल पीपल दे आर प्रेजेंट ऑन प्लेस, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे, उनमें से 10% क्लासिक म्यूज़िक पसंद करते हैं, 30% फोक म्यूज़िक एंड 40% लाइट म्यूज़िक एंड 20% सेमी क्लासिक म्यूज़िक। तो हमें इस तरह से सर्वे किया हुआ है और ये आपको डाटा मिला वहाँ पे जाने के बाद। अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट, इफ द 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मेनी पीपल वर सर्व। बच्चे, सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या पता वहाँ पे कितने लोग थे जिनका आपने सर्वे किया। मैंने मान लिया कि वहाँ पे कितने पीपल दे आर प्रेजेंट ऑन दैट प्लेस जहाँ हम सर्वे कर रहे हैं, वहाँ पे एक्स पीपल प्रेजेंट, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि टोटल कितने वहाँ पे पीपल्स प्रेजेंट हैं, बट हमने पीपल मान ली एक्स। तो आपको पता है कि 10% लोग जो हैं इनमें से क्लासिक म्यूज़िक को पसंद करते हैं, तो और गिवन कितने हैं आपको 20। तो आप सिंपल लाइन लिखो, 10% ऑफ एक्स दैट इज़ इक्वल टू गिवन है आपको 20। अब बस एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वही तो ये पूछ रहा है, हाउ मेनी पीपल वर सर्वेड। तो आपको कितने पीपल सर्वे किए, सर्वे करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ हाउ मेनी पीपल प्रेजेंट देयर। तो आपको एक्स मान के चल रहे हो, तो उन्हीं के सर्वे होंगे जो प्रेजेंट होंगे, जो प्रेजेंट नहीं है तो उनके सर्वे नहीं हो सकते। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो 10/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दिस वन इज इक्वल टू एक्स 20। अब ये आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 10 नीचे डिवाइड कर रहा है, अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो मल्टीप्लाई करेगा, तो इट मीन्स आपके वहाँ पे 200 पीपल्स प्रेजेंट देयर, वहाँ पे 200 पीपल प्रेजेंट थे जब आपने सर्वे किया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कहता है ये विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आप वो ग्राफ देख के इजीली बता सकते हो कि कितने टाइप, कितने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा कौन से म्यूजिक को पसंद करते हैं। तो देखो 10, 20, 30, मैक्सिमम आपका 40 है, तो लाइट म्यूजिक को सबसे ज़्यादा, दिस इज लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक चूज बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल्स द प्रेजेंट देयर, वहाँ जितने भी लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा किस म्यूजिक को पसंद किया उन्होंने, लाइट म्यूजिक को। तो ये सेकेंड का आंसर आपका लाइट म्यूजिक हो जाएगा। एंड थर्ड में पूछा है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, देन हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ म्यूजिक, मतलब ये पूछना चाहता है कि हर क्लासिकल म्यूजिक की कितनी कैसेट हैं, सेमी क्लासिक की कितनी कैसेट हैं, लाइट की कितनी हैं और फोक की कितनी हैं। तो टोटल ये बता रहा है कि कंपनी ने जितनी कैसेट बनाई वो आपकी 100 हैं, इसका मतलब 1000 हैं। तो 1000 में से 10% कौन सी हैं, क्लासिक हैं। तो आपको क्लासिक अगर फाइंड करनी है तो आपको सिंपल लिखना है 10% ऑफ 1000, क्योंकि 1000 में से 10% क्या है, क्लासिक म्यूजिक की कैसेट है। तो अगर आप 10% ऑफ 1000 निकालोगे तो 10 / 100 × 1000, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 100 कैसेट। सिमिलरली अगर आपसे फोक का पूछा जाए तो आपको बस अब जस्ट यही फाइंड करना है, फोक आपका कितना है 30%, तो 30% ऑफ 1000 आपको निकालना है, ये आएगा आपका 300। देन फाइंड 40% एंड 20%, देन ये आएगा आपका 400 कैसेट्स, ये 300 कैसेट्स, ये 200 और ये आपके 100। तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ पार्ट 3। तो ये तो एक ईजी सा क्वेश्चन दिया हुआ था, सिर्फ आपको किसके बारे में जानना था, पाई चार्ट को कैसे रीड किया जाता है या सर्कल ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। अब आएंगे
हम दूसरे क्वेश्चन में, आपको सीजन गिवन है, समर, रेनी, विंटर एंड टोटल आपको दे रखा है, ये तीन सीजन गिवन है। नंबर ऑफ पीपल लाइक, समर सीजन को लाइक करने वाले 90 पीपल्स हैं एंड रेनी सीजन को 120 परसेंट एंड विंटर को 150 परसेंट लाइक करते हैं। तो अब आप ये क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देते हुए चले जाना। ये पहले पूछ रहा है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा कौन से सीजन को वोट मिली। ऑब्वियसली सबको विंटर सीजन पसंद होता है, तो इसमें भी आपके विंटर सीजन को सबसे ज़्यादा मिली, तो फर्स्ट का आंसर तो आपका विंटर ही हो गया, सिंपल सा। सेकेंड में कहता है सेंटर एंगल। अब मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक एंगल फाइंड करने का, एक क्वांटिटी फाइंड करने का। अगर सेंटर एंगल तो आपको पता है कितने का है, पर हर एक का नहीं पता है। टोटल अगर सेंटर एंगल पूछा जाए तो वो तो आपका 360 डिग्री है, बट ईच एंगल, ईच सेक्टर का निकालना हो हमें सेंटर एंगल, सेंटर एंगल ऑफ ईच सेक्टर तो आप कैसे निकालोगे। देखो जो क्वांटिटी गिवन है वो लिखो, तो आपको पहले क्वांटिटी गिवन है डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। अगर मैं रेनी सीजन का सेंटर एंगल एंगल निकालूं तो रेनी सीजन का क्या होगा, रेनी सीजन का क्वांटिटी गिवन है 90, रेनी सीजन पहले नहीं था, पहले समर सीजन, तो समर का सबसे पहले निकालेंगे। समर सीजन में क्वांटिटी गिवन आपको 90, टोटल मैंने लिखा हुआ 360 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो ये कैंसिल होके आपका कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली आप रेनी सीजन का फाइंड करना चाहोगे, जो रेनी सीजन है वो आपका कितना गिवन है, 120 गिवन है, और 120 को डिवाइड करोगे किससे, 360 से, तो दिस इज 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 360, तो ये आंसर आएगा आपका 120 डिग्री। एंड लास्ट आपका बचा है क्या, विंटर। अगर आप विंटर को फाइंड करोगे प्रोसेस आपका सेम रहेगा, जो प्रोसेस आपने यूज़ किया है, 360 आपको 150 गिवन है तो आप 150 ऊपर राइट करोगे, दिस इज 150 डिवाइडेड बाय 360 एंड 360 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आएगा आपका 150 डिग्री। अब आपको ये एंगल दे रहा है, आपने एंगल फाइंड कर लिए, और आपको अगर इसका पाई ग्राफ बनाना, इसमें तो खैर नहीं पूछा हुआ इसने पाई ग्राफ बनाओ, बट अगर आप पाई ग्राफ बनाना चाहते हो तो आप इजीली बना पाओगे। आप सीधा एक सर्कल ड्रॉ, क्योंकि आपने सेंटर एंगल फाइंड कर लिए हैं, 90 डिग्री है तो सेंटर आपका ये है। सिमिलरली हमें पता है कि ये क्या है आपका 90 डिग्री है। अच्छा 120 एंड 150 में कुछ भी नहीं है, आप प्रोटेक्टर लो, यहाँ पे यहाँ प्रोटेक्टर रखोगे तो आपको यहाँ से मेजर करना है कितना 120 और ये मेजर करना है 150। हमेशा प्रोटेक्टर को रखो सेंटर में, जब आप प्रोटेक्टर सेंटर में रखोगे तो सिर्फ आपको इस लाइन से एंगल मेजर करने हैं और एंगल मेजर करके राइट कर देने हैं, तो आप इसका क्या बना सकते थे, ये आपका 90 डिग्री है। तो हमने इजीली ड्रॉ कर लिया किसको, पाई ग्राफ को बाय गिवन सेंटर एंगल। अगर आपको सेंटर एंगल मिल जाए तो आप कोई भी पाई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो राइट कर दो 90 क्या है आपका, समर सीजन है, रेनी सीजन, विंटर सीजन, तो आप इसमें राइट करके ग्राफ। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट आपको पाई चार्ट ड्रॉ करना है, ये आपको दे रखा है, टोटल 36 हैं, ब्लू कलर को जो लाइक करते हैं 18 पर्सन एंड ग्रीन को 9, रेड को 6 एंड येलो को 3, टोटल कितने हैं 36। आपको जस्ट इतना गिवन है कि आप पाई चार्ट ड्रॉ करो, तो पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्वांटिटी गिवन है, सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड में किया था। क्या किया था, अगर मुझे ब्लू का सेंटर एंगल मिल जाए, सेंटर विदाउट सेंटर एंगल तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, विदाउट सेंटर एंगल ड्रॉ होगा ही नहीं, तो अगर मुझे ब्लू का सेंटर एंगल मिल जाए, सेंटर एंगल ऑफ कलर ब्लू क्या था, 18 गिवन है, टोटल 36 गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, कैंसिल करोगे 10 डिग्री आ जाएगा और ये आएगा आपका 180 डिग्री। ग्रीन के लिए फाइंड करो, देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एक दो क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। अगर मैं ग्रीन लेती हूँ तो यहाँ पे 18 की जगह क्या है 9 है, टोटल वही रहना है 36 और 360,
आप इसको कट करोगे 10 डिग्री आएगा और ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। फिर आप रेड का लोगे, रेड में क्या गिवन है आपका 6 गिवन है, 6/36 यहाँ वही प्रोसेस है, आप इसको कट करोगे 10 डिग्री आएगा और ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। लास्ट आपका जो कलर है वो येलो कलर है, अब येलो कलर के लिए फाइंड करो, तो येलो कलर के लिए जब आप फाइंड करोगे तो ये है आपका 3, ये हो गया आपका 3, मतलब 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 36 और 360 डिग्री। आप इसको कट करो तो ये जो बनेगा ये 600 नहीं है, दिस इज 60 डिग्री, और इसको राइट करोगे तो ये क्या आएगा आपका 30 डिग्री। अब आपको सारे सेंटर एंगल मिले हुए हैं और मैं आपको कहूँ कि पाई चार्ट ड्रॉ करो, तो उसमें मुश्किल ही क्या है, आपने एक सर्कल बनाया, सेंटर एंगल ये है आपका, सबसे पहले देखो आपका जो ब्लू है वो 180 है, सब बच्चों को बताया कि हाउ टू मेक 180, ये आपका 180 हो गया, इस कलर का नाम दे दो क्या, ब्लू। नेक्स्ट आपका ग्रीन है वो 90 है, तो देखो उसमें प्रोटेक्टर की भी नीड नहीं है, आप विदाउट प्रोटेक्टर भी कर लोगे, 90 डिग्री बनाना इजी होता है, 180 बनाना इजी होता है, ये ग्रीन है। अब बचा 60 और 30, प्लीज़ इसके लिए आप प्रोटेक्टर यूज़ कर लेना, ये आपका 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, विदाउट प्रोटेक्टर मत करना, सेंटर में रख के प्रोटेक्टर को 60 और 30 मेजर कर लेना, क्योंकि इसमें मिस्टेक हो सकती है आपकी 60 और 30 में, तो जो 60 है वो आपका रेड हो जाएगा और जो 30 है वो आपका येलो हो जाएगा। तो आपने पाई चार्ट इजीली ड्रॉ कर लिया इफ़ यू फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच क्वांटिटी गिवन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ऑलरेडी पाई चार्ट दे रखा है और आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, इसमें बहुत कुछ पूछा है इसने। फर्स्ट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब आपको पाई चार्ट गिवन हो ना, तो प्लीज़ इनका मैथमेटिक्स के कितने मार्क्स आए वो फाइंड कर लो, सोशल साइंस में कितने मार्क्स आए वो फाइंड कर लो, साइंस में कितने आए और हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, अगर आप इस सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड कर लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने आपके लिए सबसे ईजी हो जाएंगे। तो टोटल जो स्टूडेंट्स हैं या टोटल मार्क्स हैं, ये टोटल स्टूडेंट ही है दैट इज मार्क्स, तो जो टोटल मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स जो गिवन है वो कितने हैं आपके 540 में से आपके मार्क्स आने हैं, और आपका जो एंगल गिवन है वो कितना है आपका 90। अगर मुझे मैथ्स के मार्क्स देखो, अब आपको यूज़ करना है फॉर्मूला नंबर 2, हमें क्या फाइंड करनी है क्वांटिटी, तो आपको मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स के आपको मार्क्स फाइंड करने हैं, तो मैथ्स के मार्क्स फाइंड करने के लिए अगर आपको मार्क्स फाइंड करने हैं किसके, मैथ्स के मार्क्स ऑफ मैथ्स, देखो कितने का एंगल गिवन है 90, मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, गिवन एंगल डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 एंड टोटल मार्क्स कितने गिवन है आपके 540। तो अब गिवन एंगल क्या है आपका 90 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 360 और मल्टीप्लाई करना है 540। देखो एक इजी मेथड है कैलकुलेशन को इजी बनाने का, कट करने की कोशिश इनको करना, इसको नहीं, ये चीज़ फिर आपकी हमेशा हर उसमें कॉमन रहेगी, मैथ्स में भी। अगर मैं यहाँ पे सोशल साइंस की बात करूँ तो सोशल साइंस में भी सिर्फ ये ऊपर वाला एंगल चेंज होगा, ये वाली वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ हिंदी की, तो हिंदी में भी सिर्फ आपका ये चेंज होगा, ये वैल्यू आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। एंड नेक्स्ट हिंदी के बाद आपका इंग्लिश, ओके शायद हम साइंस भूल गए, इंग्लिश, इंग्लिश का क्या रहेगा 55 360 मल्टीप्लाई बाय 540। अब साइंस राइट कर लो, साइंस का जो एंगल है वो आपका 80 है, 80 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540। मैं इसको कट करूँगी, आपका जीरो से जीरो कट गया, अगर आप इसको कट कर रहे हो तो 18 2 जा 18 3 जा, सबसे इजी तरीका है इसको कट करने का। इट मीन जब जो इन दो वैल्यूज को कट कर रहे हो तो ऑलवेज क्या आ रहा है 3 2 आ रहा है, ये 3 ये 2, 3 2 ये आपका 2 सॉरी और ये आपका 3 2 और 3। अब देखो आपका कितना इजी होगी कैलकुलेशन, अब बार बार ऊपर नीचे अलग अलग कट करते तो शायद आपको मुश्किल होती इतनी कैलकुलेशन फाइंड आउट करना, बट अब देखो बिल्कुल सिंपल, आपका देखो 3/2 3/2 3/2 3/2 3/2 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कट रहा है
तो ये 45 हो जाएगा, और जहाँ नहीं कटे उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो नंबर आए ये 35 जा 15, 34 जा 12 और 13, तो आपके जो मैथ्स के मार्क्स हैं वो आपके 135 हैं। एंड देन नेक्स्ट है आपका 65, 3/2 ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो 65 को पहले मल्टीप्लाई करो 3 से, 35 जा 15, 36 जा 18, 119 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कट करोगे तो 29 जा 18, 1 कैरी 7 जा और 1 बचेगा तो 97.5। आप सबके मार्क्स फाइंड करो, 135 आपने मैथ्स के किए हैं, 97.5 आपके सोशल साइंस में है। अब आप ये कट रहे हैं जो 2 से, इसको कट किया तो 35 आएगा, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 जा 15, 33 जा 9, 10, तो आपके 105 हिंदी में हैं। इंग्लिश का देखो कट नहीं रहा, नो प्रॉब्लम, पहले मल्टीप्लाई करो 35 जा 15, 35 जा 15 एंड 16 डिवाइडेड बाय 2। देखो जितना आप इसको इजी बनाओगे इजी बन जाएगी, और डिफिकल्ट करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ये 28 जा 16 है, 22 जा 4, तो ये आएगा आपका 82.5। ये आपके इंग्लिश के मार्क्स हैं। नेक्स्ट साइंस के मार्क्स कट रहे हैं 40, और ये सीधा क्या आ गया आपका 120। तो आपने सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड कर लिए यहाँ पे। अब आ जाओ अपने क्वेश्चंस पे, अभी जो भी पूछेगा आप इजीली दे पाओगे। देखो ये चीज फाइंड आउट करना आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स उसने स्कोर किया। चेक कर लो यहाँ पे, हमने 105 चेक ये किया, तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया आपका हिंदी। तो आपने राइट कर दिया आंसर हिंदी। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया होता तो आपको पता ही नहीं होता कौन से में हमें 105 मिले। अब नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेंड बाय द स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। अब क्या कह रहे हैं कि कंपेरिजन क्या है, मैथ्स देन हिंदी, हिंदी से ज्यादा हाउ मेनी मोर सब्जेक्ट, क्या पूछा, हाउ मेनी मोर मार्क्स, हिंदी से मैथ्स में कितने ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर किए। अब आपको हिंदी पता है, हिंदी में कितने मार्क्स किए 105, मैथ्स में कितने किए 135, तो कितने ज़्यादा हो गए। कंपेरिजन करना बहुत ही आसान है, इसने 20 मार्क्स, ओके 20 या 30 मार्क्स उसने ज़्यादा लिए किस में, मैथ्स में एज कंपेयर टू हिंदी। तो यहाँ कंपेरिजन पूछा था तो आपने आंसर इजीली दे पाए। नेक्स्ट में पूछा है इसने सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसएसटी एंड मैथ्स। पहले देखो इसने सम ऑफ मार्क्स बोला है एसएसटी और मैथ्स, तो पहले एसएसटी चेक करो, एसएसटी का है आपका ये रहा, वो है 97.5, सम है तो प्लस, देन मैथ्स, मैथ्स के कितने हैं आपके 135। आप इसको एंड कर दो, जब आप इसको ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, देखो जब आप इसको ऐड करोगे 7512, 9312, 13 एंड 232.5। अब ये कहते हैं कम और किसका है, साइंस और हिंदी, फिर आपको सम फाइंड करना है किसका, साइंस और हिंदी। अब चेक करो साइंस में मार्क्स हैं 120 और हिंदी में मार्क्स हैं आपके 105, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये जो बनेंगे आपके 225। अब आपको इन दोनों में बताना है कितने ज़्यादा हैं इसके, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस होगा, यहाँ 5 आएगा और 12 में से 5 गया आपका 7, तो ये बाकी आपका कह रही हो कि 0-0 हो गया, तो 7.5 मार्क्स इन दोनों के सम से, इन दोनों के सम में ज़्यादा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आप खुद करोगे मैं नहीं करूंगी। उसमें आपको क्या गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, जो उससे मैंने सेकंड थर्ड क्वेश्चन करवाया एज इट इज क्वांटिटी गिवन है, और आपको क्या फाइंड क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो यू विल डू योर सेल्फ बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।